अस्सलाम वालेकुम। जो लोग जिगर के मसाइल जैसे फैटी लिवर, लिवर फाइब्रोसिस, लिवर सिरोसिस, जिगर के कैंसर या हेपेटाइटिस का शिकार हैं, उनमें से कुछ लोगों ने पूछा कि डॉक्टर साहब, हम कॉफ़ी इस्तेमाल कर सकते हैं क्या? इसका हमारे जिगर पे बुरा असर तो नहीं होगा? अगर कर सकते हैं तो कितना और कैसे इस्तेमाल करें? तो आज की वीडियो में हम आपको कॉफ़ी के जिगर और जिस्म में होने वाले फ़ायदों और नुकसान के साथ उसके सही इस्तेमाल का तरीका बताएंगे, जिसके साथ आपको कॉफ़ी का सिर्फ फ़ायदा ही होगा। कॉफ़ी में कोई 1000 से ज़्यादा केमिकल्स होते हैं, जिनमें खासकर कैफीन, पोटाशियम, नियासिन, मैग्नीशियम और एंटीऑक्सीडेंट, क्लोरोजेनिक एसिड और टोकोफिरोल वगैरह होते हैं। यहाँ ये बताना ज़रूरी है कि सिर्फ कैफीन से जिगर का उतना फ़ायदा नहीं होता होगा, क्योंकि बाकी कैफीनेटेड ड्रिंक से जिगर की हेल्थ उतना बेहतर नहीं होती जितना कॉफ़ी से होती है। वो इसलिए कि कॉफ़ी में मौजूद बाकी केमिकल्स जिगर को ज़्यादा फ़ायदा देते हैं। इसका क्लोरोजेनिक एसिड, जो कि पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है, ग्लूकोज इंटॉलरेंस को कम करता है, ओबेसिटी और डायबिटीज में हेल्प करता है। ये दिल की बीमारियाँ, टाइप 2 डायबिटीज, फैटी लिवर और पार्किंसन में फायदा देती है। कॉफी का क्लोरोजेनिक एसिड जिगर के खुलियों हिपेटोसाइट्स पे एक्ट करता है, जिससे सोजिश कम हो जाती है। इसकी कैफीन एंटी फाइब्रोटिक होती है, मतलब जिगर की सोजिश को कम करके फाइब्रोसिस और स्कार टिश्यू को बनने से रोकती है। कॉफी जिगर का कैंसर होने से रोकती है। इसकी एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज जिगर के साथ ओवरऑल हेल्थ को बेहतर कर देती है। कॉफी हेपेटाइटिस सी, जो कि बाद में लिवर सिरोसिस और कैंसर का बायस बनती है, उसे रोकती है। कॉफी पे एक स्टडी में देखा गया कि जिगर का कैंसर कॉफी के 2 से 3 कप के इस्तेमाल से 38% कम हो जाता है और 4 कप से ज्यादा के इस्तेमाल से 41% तक कैंसर कम हो जाता है। एक और स्टडी में देखा गया कि क्रोनिक लिवर डिजीज में डेथ की शरह 2 से 3 कप के इस्तेमाल से 46% कम हो जाती है और 4 कप से ज्यादा इस्तेमाल से 71% तक कम हो जाती है। अब कितना इस्तेमाल करना है, जैसे पहले स्टडीज में देखा है, 2 कप से ज्यादा के इस्तेमाल से आपको फायदा मिलना है। 1 कप में 10 ग्राम कॉफी बीन्स या 5 ग्राम इंस्टेंट कॉफी का होना जरूरी है। जिगर में इसका ज्यादा फायदा लेने के लिए आपको 4 से 6 कप इस्तेमाल करने चाहिए। आपने कॉफी में शुगर और क्रीम यूज नहीं करनी, ब्लैक कॉफी से आपको ज्यादा फायदा मिलता है। अगर आप टेस्ट के लिए कोई मीठा इस्तेमाल करना चाहते हैं तो स्टीविया ड्रॉप्स या पाउडर इस्तेमाल कर सकते हैं और मिल्क की जगह स्किम्ड मिल्क भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बच्चों में इसका इस्तेमाल एंजाइटी और बेचैनी होने की वजह से नहीं करना चाहिए। आप डेली 400 मिलीग्राम तक कैफीन ले सकते हैं। 1 कप खालिस में ऑर्गेनिक कॉफी में ऑलमोस्ट 95 मिलीग्राम कैफीन होती है। यंग एज में इसका ज्यादा इस्तेमाल सही नहीं है, क्योंकि सर दर्द, नींद की कमी और आदि हो जाने का रिस्क होता है। आज के लिए इतना ही। चैनल पे आने का शुक्रिया। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करें। मजीद इस तरह की मालूमाती वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।